मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर आपको बता दें, कच्चाथीगु द्वीप को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीएमके पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि डीएमके ने तमिलनाडु के हितों के लिए कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कच्चाथीगु पर डीएमके ने संवेदनहीनता दिखाई है और मछुआरों महिलाओं के हितों को नुकसान पहुंचाया है। सीधे सीधे डीएमके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला किया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के हितों के लिए डीएमके ने कुछ नहीं किया। डीएमके दोहरे मानक पूरी तरह से उनके उजागर हुए हैं। कांग्रेस और डीएमके पारिवारिक इकाइयां हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कच्चाथीगु पर डीएमके ने संवेदनहीनता दिखाई है, यानी उसमें उस पूरे मुद्दे को लेकर सेंसिटिव नहीं थी डीएमके, ये कहा है प्रधानमंत्री ने। तो डीएमके पर बड़ा हमला बोला है प्रधानमंत्री ने कच्चाथीगु द्वीप को लेकर। तो प्रधानमंत्री ने कच्चाथीगु को लेकर जबरदस्त तरीके से डीएमके पर हमला बोला। उन्होंने कहा डीएमके ने तमिलनाडु के हितों के लिए कुछ नहीं किया। पीएम ने यह भी कहा कि कच्चाथीगु पर डीएमके ने पूरी तरह से संवेदनहीनता दिखाई है और जो मछुआरे हैं, फिशरमैन हैं, महिलाएं हैं, उनके हितों को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाया है, ये कहा है प्रधानमंत्री ने। कच्चाथीगु द्वीप का के ऊपर प्रधानमंत्री जो हैं वो हमलावर हुए, डीएमके पर उन्होंने सीधे सीधे निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में जो डीएमके है उनकी संवेदनहीनता सामने आई है। As you can see, this is not just you know one prime minister. Whether it was Pandit Nehru or whether it was Indira Gandhi, this very dismissive attitude, this little rock, this island of small island of no importance, this was the historic Congress attitude towards Kachathiyam. Now, again, please don't think it's an individual view. This was actually, in a way, had seeped into the party thinking. और यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मेरठ की रैली में भी कच्चाथीगु द्वीप को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। आज ही कांग्रेस का ये एक और देश विरोधी कारनामा देश के सामने आया है। तमिलनाडु में भारत के समुद्री तट से कुछ दूर, कुछ किलोमीटर दूरी पर श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में समंदर में एक टापू है, एक द्वीप है, कच्चाथीगु। अलग अलग नाम भी लोग बोलते हैं, कच्चाथीगु। ये द्वीप सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देश आजाद हुआ तब हमारे पास था और ये हमारे भारत का अभिन्न अंग रहा है, लेकिन कांग्रेस ने चार पांच दशक पहले कह दिया कि ये द्वीप तो गैर जरूरी है, फालतू है, यहां तो कुछ होता ही नहीं है। और ये कहते हुए मां भारती का एक अंग आजाद भारत में ये कांग्रेस के लोगों ने, इंडियन अलायंस के साथियों ने मां भारती का एक अंग काट दिया और भारत से अलग कर दिया।